नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप आज दो चैनल एक साथ देख रहे हैं। एक है आपका डेटा डॉक, अनदर इज एंड्रॉइड बडी। एग्जैक्टली ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपका एंड्रॉइड बडी के साथ। एंड्रॉइड बडी और मैं मिलके ये वीडियो बना रहा हूं और जहां पर हम लोग इस वीक के टॉप रिलीजेस और टॉप टेक न्यूज़ेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टेक्नो स्टार्ट करते हैं आपका लेटेस्ट रिलीजेस के बारे में बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट रिलीजेस आया है दिस वीक में। तो पहला बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7H के बारे में। उसका जो ब्लैक पर्ल वेरिएंट है वो आपके इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 128GB का वेरिएंट आपको मिलेगा लगभग 56,900 रुपीस में। लाइफ ने लॉन्च कर दिया अपना F1 S नाम का स्मार्टफोन विद 5.2 इंच 1080p डिस्प्ले, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 652 प्रोसेसर मिल जाएगा। आप ये फोन 10,999 रुपीस में ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। कार्बन ने अपना एक नया बजट 4G सपोर्टेड स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम है आपका कार्बन ऑरा नोट 4G। प्राइस है 6,490 रुपीस। इसमें आपको 5.5 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिलता है, 1.2 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक MT6737 का चिपसेट मिलता है, 2GB रैम, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है। Asus का लॉन्च हो गया Zenfone Go 4.5, जिसको आप 6,999 रुपीस में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 4.5 इंच का डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन का 410 चिपसेट मिल जाएगा। जियोनी ने M2017 जो मच एवेटेड स्मार्टफोन था वो चाइना में लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइसिंग काफी हाई है। अगर बेसिक प्राइसिंग देखा जाए, इसका प्राइस पड़ेगा लगभग 68,000, मतलब बेसिक जो मॉडल है आपका, और जो हायर मॉडल है उसका प्राइस पड़ेगा 1,66,000। इसमें आपका स्पेशल बोला जाए तो इसमें आपको 7,000 mAh मतलब 3,500 का दो बैटरी के साथ ये लॉन्च हो रहा है, 1,66,000 रुपीस। स्वाइप ने अपना दूसरा चीपेस्ट 4G वोल्टी फोन लॉन्च कर दिया स्वाइप कनेक्ट 4G, जिसमें आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट और एंड्रॉइड मार्शमैलो मिल जाएगा और ये फोन आप 2,799 रुपीस में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फाइनली बहुत सारे रूमर के बाद कूलपैड और ले इको ला इको ये दोनों कंपनी मिलकर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया विच इज ए कूल वन। पहले जैसे खबर मिल रहा था कूल वन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, लेकिन फाइनली वो लोग ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और ये आपका 5 जनवरी से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव किया, 13,999 रुपीस। अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए, इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, स्नैपड्रैगन 652 चिपसेट के साथ ये लॉन्च हो रहा है और इसमें आपको मिलेगा 4GB रैम। OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना सॉफ्ट गोल्ड वर्जन OnePlus 3T का, जो आप 5 जैन से खरीद सकते हैं Amazon से। प्राइस वही सेम है, आप 29,999 में ले सकते हैं 64GB वर्जन और 34,999 में आप 128GB वर्जन वाला खरीद सकते हैं। Lyf ने लॉन्च कर दिया वाटर 3 नाम का स्मार्टफोन 5.5 इंच के HD डिस्प्ले के साथ और स्नैपड्रैगन 615 प्रोसेसर के साथ। नेक्स्ट कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो पूरा वीक से चला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CES 2017 में, जो बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है। तो उसमें सभी जितने भी बड़े बड़े कंपनी से अपना नया नया प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। उसमें ही एक कंपनी है विच इज LG, जो अपना फ्लोटिंग ब्लूटूथ स्पीकर वहां पर शोकेस करने वाला है, जहां पर आपको 360 डिग्री का आपको साउंड मिलता है और ये ऐसे तैयार किया गया है जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जहां पर जो फ्लोटिंग स्पीकर मतलब वो जो स्पीकर है वो फ्लोट करेगा। एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट। प्राइसिंग के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इट्स लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। मोटोरोला के मोटो Z सीरीज और सोनी के Xperia X सीरीज को एंड्रॉइड नॉगट का अपडेट मिलना शुरू हो गया इंडिया में। शामी की तरफ से नेक्स्ट एक लीक इन्फॉर्मेशन है, वो है MI6 के बारे में। MI6 हो सकता है वैलेंटाइंस डे 2017 में इंडिया में लॉन्च हो, विच इज 14 फरवरी। हाँ यार, सबको पता है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आया, जैसे 2.5T आपको कर्व ग्लास मिल सकता है, 5.2 इंच डिस्प्ले विच इज 4K रेजोल्यूशन 4096x2160 एक्सेलेंट। Qualcomm 835 के साथ आ सकता है, 23 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 7 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 3000 mAh बैटरी विद क्विक चार्ज 3। सैमसंग का तो नया स्मार्टफोन और फाइनली सर्टिफाइड हो चुका है, वन इज सैमसंग C5 Pro और आपका C7 Pro। दोनों आपका फुल HD डिस्प्ले है और विच इज AMOLED डिस्प्ले और 4GB रैम के साथ ये सर्टिफाइड हुआ है। मतलब काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन प्राइसिंग के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। क्या स्क्रिप्ट दिया यार, स्क्रिप्ट तो कम से कम ढंग से दिया करो। ट्राई ने जियो को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि उनका वेलकम ऑफर से ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर कैसे अलग है। हालांकि जियो ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद है हम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर ऑफर एक्सटेंड हो जाएगा मार्च 2017 तक। बहुत ही चर्चित विषय वो है रिंगिंग बेल, जो सारा दुनिया में बहुत ही तहलका मचा दिया था। वैसे रिंगिंग बेल कंपनी की तरफ से खबर आया, रिंगिंग बेल का जो को फाउंडर है विच इज मोहित गोयल और उनका जो वाइफ है धरना गोयल जो CEO है, वो फाइनली रिंगिंग बेल से रिजाइन करती है। लेकिन उन्होंने बोला है कि रिंगिंग बेल कंपनी अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो कंपनी ऐसे काम करती है जैसे वो काम कर रही है। वो लोग कहेंगे लगभग 70,000 यूनिट ऑलरेडी वो लोग अलग अलग जगह पर शिप कर दिए इंडिया में, और बाकी डिवाइसेस पे वो लोग शिप करेंगे, कर रहे हैं इस टाइप का कुछ। Xiaomi का Redmi Note 4X नाम का एक फोन का स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हुआ है, जिसमें आपको 4GB की रैम, Snapdragon 653 प्रोसेसर और 5.5 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाएगा। अगला एक थोड़ा लीक इन्फॉर्मेशन है व्हिच इज फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग गैलेक्सी A5 और A3 आपका इंडिया में जनवरी एंड तक लॉन्च हो सकता है। स्पेसिफिकेशन काफी इंप्रेसिव है। आपका A5 में आपका बोथ आर 2017 वाला वर्जन। A5 में आपका 5.2 इंच का आपका फुल एचडी डिस्प्ले मिल सकता है विद AMOLED 60 मेगापिक्सल कैमरा, और फ्रंट में भी आपका 60 मेगापिक्सल कैमरा है, 5.2 इंच का डिस्प्ले, 12880 का प्रोसेसर, 3GB रैम, 32GB रोम है। और A3 थोड़ा छोटा भैया, वो 12870 इस्तेमाल करेंगे। 4.7 इंच का आपका डिस्प्ले होगा व्हिच इज सुपर AMOLED डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल रियर एंड 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टेड है जनवरी 10 टू जनवरी 20 के अंदर ये लॉन्च हो सकता है। सुपर मारियो रन जो अब तक सिर्फ iOS में अवेलेबल था, वो जल्द ही एंड्रॉइड में उपलब्ध हो जाएगा। 2017 में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जियो सिम को दूर तक पहुंचाने के लिए स्नैपडील ने एक स्पेशल सर्वे चालू किया या फिर स्पेशल सर्विस चालू किया, व्हाटएवर यू कैन से। वो लोग कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को, जो भी प्रीमियम कस्टमर उनको मेल भेजेंगे। अगर आपको मेल मिलता है या फिर जो भी लकी कस्टमर उनको अगर मेल मिलता है तो मेल में वो सब डिटेल्स डाल के भेज सकते हैं, और स्नैपडील से कोई भी बंदा आपके घर में आएगा और वहां पर घर में बैठे आपको एक जियो का सिम देके जाएगा विद eKYC प्रोसेस के माध्यम से। मतलब आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। लेकिन स्नैपडील ये सिलेक्टेड कस्टमर कहां से ढूंढेंगे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A 2017 सीरीज के फोन का प्राइस जो है लीक हो गया है। सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 का प्राइस जो है मलेशियन करेंसी के हिसाब से 1699 है, जिसका प्राइस रफली इंडिया में होता है 25,700 रुपीज। और A7 2017 का जो प्राइस है 1899 मलेशियन करेंसी, जिसका प्राइस होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से 28,800 रुपीज। और ये फोन CES 2017 में लॉन्च हो जाएगा। Amazon प्राइम और Amazon प्राइम वीडियो सर्विस लॉन्च करने के बाद ये जो अमेरिकन कंपनी है विच इज Amazon जो ई-कॉमर्स साइट है, वो लोग फाइनली एक नया सर्विस सॉरी ठंडा लग गया, वो लोग एक नया सर्विस चालू किया विच थ्रू यू कैन सेल योर ओल्ड स्टफ्स ऑल्सो। तो अलग अलग कैटेगरी से वहां पर अपना ओल्ड स्टफ आप रजिस्टर करके वो भी सेल कर सकते हैं। पिकअप डिलीवरी डन बाय Amazon, और थोड़ा बहुत वो लोग इंसेंटिव लेके 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इसके हिसाब से वो लोग लेंगे। 10 रुपए लेंगे शायद 1000 रुपए के सामान के नीचे। जो लोग 1000 रुपए का सामान अगर बेचते हैं, 1000 से 5000 तक वो लोग लेंगे आई थिंक 50 रुपए, और 5000 से ऊपर का अगर कोई भी सामान आप बेचते हैं तो शायद वो लोग लेंगे 100 रुपए। सो ये था आपका टॉप ट्रेंडिंग न्यूजेस या फिर टॉप रिलीजेस ऑफ दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू Data Dock एज वेल एज सब्सक्राइब टू Android Buddy ऑल्सो, और you can subscribe to Android Buddy and subscribe to Data Dock also whatever you can say। So हम लोग काफी दिन से एक साथ काम कर रहे हैं, so आप definitely both the channel को देखिए और दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली टेक न्यूज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू मेड और हाउ टू डू लॉट ऑफ थिंग्स आपको मिलता रहेगा। So इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। This is your host Amit signing off from Data Dock as well as signing off from Android Buddy। Hope to see you in my next video। Bye bye।